हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के साथ एक इजी और यम्मी रेसिपी शेयर करूंगी, सॉफ्ट एंड फ्लफी फ्रेंच टोस्ट रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे आप स्नैक्स में खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में खा सकते हो और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। तो चलिए सॉफ्ट एंड फ्लफी फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाते हो देख लेते हैं। तो फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए यह मैंने व्हाइट ब्रेड का स्लाइस लिया है और ब्रेड स्लाइस से ब्राउन पार्ट को अलग कर दिया है, देखिए इस तरह से। आप ब्राउन ब्रेड का स्लाइस भी ले सकते हो, बट ब्राउन ब्रेड से ज़्यादा व्हाइट ब्रेड से ही टेस्टी होता है फ्रेंच टोस्ट, तो मैं सजेस्ट करूँगी व्हाइट ब्रेड का स्लाइस लेने की। तो दो अंडा लिया है और वेनिला एसेंस लेंगे 1 टीस्पून और 1/2 कप फ्रेश मिल्क लेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल में दो अंडा तोड़ के लेंगे। आप 2 टेबलस्पून चीनी या शुगर ऐड करेंगे, आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हो। अब 1/2 कप फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे। अब 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। वेनिला एसेंस ऐड करने से फ्रेंच टोस्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा वेनिला का फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप अच्छे से बीट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो आप पैन में थोड़ा सा तेल देंगे और थोड़ा सा बटर देंगे। आप सिर्फ बटर से भी कर सकते हो, सिर्फ ऑयल से भी कर सकते हो। अच्छे से गरम कर लेंगे। अब बटर के अंदर ब्रेड स्लाइस को बहुत ही अच्छे से डिप करेंगे, देखिए इस तरह से। बहुत ही अच्छे से ब्रेड स्लाइस को सोक करना है। अच्छे से सोक करने से बैटर ब्रेड स्लाइस के अंदर तक जाएगा और फ्रेंच टोस्ट बहुत ही टेस्टी बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। अगर आप सिर्फ डिप करोगे और पैन में छोड़ोगे, उससे फ्रेंच टोस्ट टेस्टी नहीं बनेगा, अंदर सूखा सूखा रह जाएगा। देखिए इस तरह से। अभी हमने गैस फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। जब बॉटम साइड गोल्डन कलर हो जाएगा तब इसे फ्लिप करेंगे। तो बॉटम साइड में अच्छा कलर आ गया है, अब इसे फ्लिप कर देंगे, देखिए इस तरह से। आप देख सकते हो फ्रेंच टोस्ट बहुत ही सॉफ्ट हुआ है और पैन में देने के बाद हल्का फूल भी गया है। बैटर में अच्छे से सोक करने की वजह से फ्रेंच टोस्ट इतना सॉफ्ट हुआ है और फूल भी गया है। फ्रेंच टोस्ट बनाने का टाइम अगर आप ये प्रोसेस पूरा फॉलो करोगे तो आपका फ्रेंच टोस्ट भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और फ्लफी बनेगा। तो देखिए इस तरह से फ्रेंच टोस्ट का दोनों साइड गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको फ्राई करना है। तो अब ये हो गया है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी का फ्रेंच टोस्ट भी सेम प्रोसेस में फ्राई करेंगे।
यह मैंने फ्रेंच टोस्ट को प्लेटिंग कर दिया है। आप ऊपर थोड़ा सा हनी दे देंगे। ऊपर हनी देने से फ्रेंच टोस्ट का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को घर पे एक बार ट्राई जरूर करें। आई होप आप सभी को पसंद आएगी और बच्चों को भी पसंद आएगी। तो सॉफ्ट एंड फ्लफी यम्मी फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर जरूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।